मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर में एक से डेढ़ महीने में आप क्या कर सकते हो। ट्वेल्थ क्लास से संबंधित है चैप्टर, तो भैया इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं? इससे पहले हमको आइंस्टीन नहीं बन रहा है भैया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करोगे बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये मैंने करके देखा है। हम लोगों के साथ कुछ ऐसे ही बच्चे जुड़ रखे हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम एक से डेढ़ महीने के बाद होगा, और उन बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि आखिर में वो लास्ट टाइम में, मतलब एक से डेढ़ महीने जो उनके पास बचा हुआ है, उसमें वो कैसे अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिविजन करें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब साल भर में पढ़ा नहीं है, मतलब पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ा नहीं है, थोड़ा मोड़ा उन्होंने पढ़ रखा है, और उनके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अब एक से डेढ़ महीने में हम पढ़ें क्या, क्या चीज ऐसा पढ़ लें कि हमारा जो मार्क्स है अच्छा से अच्छा थोड़ा सा आ पाए, हम अच्छे से अच्छा पास हो जाए। तो ये सारे सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों का। अब चूंकि मैं भी बीएससी किया हुआ हूँ और एमएससी भी मैंने किया हुआ है, तो थोड़ा मुझे पता है और मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर में एक से डेढ़ महीने में आप क्या कर सकते हो, ताकि आपका जो लास्ट टाइम में आप रिवीजन भी कर सको अगर आपने पूरा पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, और अगर जिन बच्चों ने पढ़ भी नहीं रखा है तो वो क्या करें ताकि उनका अच्छा से अच्छा मार्क्स वो गेन कर सके। तो चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं अच्छे ढंग से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन बच्चों के बारे में बात करता हूँ जिन्होंने साल भर में अपने पूरे पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है, यानी उन्होंने साल भर अच्छे ढंग से पढ़ाई की है। तो इन जैसे बच्चों के लिए रिवीजन करने का, मतलब एक से डेढ़ महीने में अपने पूरे पूरे सिलेबस को रिवीजन करने का बहुत ही शानदार तरीका है। वो तरीका ये है कि पहली बात तो एक चीज आपके दिमाग में बन चुकी है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा डेफिनेशन है, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, मतलब इतना बन गया होगा कि आखिर में कहां से कहां तक लिखना है। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में नहीं बनी है कि आखिर में उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके दिमाग में होना। इसको बात समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इस चीज के लिए आप ये करोगे भैया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी 3 से 4 साल के जो अनसॉल्व्ड पेपर होते हैं, उसको अटेम्प्ट करो, मतलब उसको देखो बार बार कि भैया एक जो टॉपिक है उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे एग्जाम में। अगर ये आप करोगे तो विश्वास मानो बेहतर मतलब रिजल्ट आएगा आपका, बेहतर रिजल्ट आएगा, इतना विश्वास करो, एकदम बेहतर रिजल्ट के साथ आप पास करोगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये मैंने करके देखा है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही जरूरी है, बात समझ में आ रहा है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर, मतलब दूसरे पार्ट। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करूं जिन्होंने साल भर में बहुत ही कम पढ़ाई कर रखी है, यानी उन्होंने सिलेबस का नाम मात्र, यानी बहुत ही कम सिलेबस कवर कर रखा है। तो देखो, अगर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में 12th क्लास का बहुत ही ज्यादा सिलेबस मिलता है, मतलब आप 30 से 40% 12th क्लास का ही सिलेबस पाओगे। जैसे कि मेरे पास अगर मान लो ये मैथ का बुक है, तो मैथ के बुक में आप देखोगे ना कि यहाँ पर जैसे कि रियल नंबर सिस्टम, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंसबिलिटी, ये आप सब 12th क्लास में पढ़ रखा है आपने, ठीक ना? और कौन कौन से चैप्टर हैं, इधर के देखोगे मैक्सिमम मिनिमम हो गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हो गए, तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपने पढ़ रखा है। उसी तरीके से एक और बुक है मेरे पास बीएससी फर्स्ट ईयर का, अगर इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो चैप्टर हैं, जैसे कौन कौन से चैप्टर हैं यहाँ पर, जैसे कि एक रिलेशन हो गया इसमें, और मतलब कि इधर तो थोड़े हैं, अब यहाँ पर और भी चैप्टर्स हैं, जैसे इधर कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर है। तो इधर क्या कवर कर सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हैं, इधर से 25 से 30 मार्क्स तक आता है क्वेश्चन, इसमें आप कवर कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसका बहुत ही ईजी होता है, बात समझना, ठीक। और इधर के जो हो गए रिलेशंस एंड फंक्शन वाले हो गए, मैपिंग वाले हो गए, तो इसमें भी ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है, इसको भी आप आसानी से कवर कर ले जाओगे, तो बात को समझो। लेकिन अब आपके पास एक से डेढ़ महीना बचा है, तो इसको कवर करना है, कवर कैसे करना है, तो देखो मैंने क्या बोला कि इन मान लो जो भी बुक्स हैं आपके पास, तो इन बुक्स में बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर हैं जो कि 12th क्लास से रिलेटेड है, यानी 12th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको। तो उसे करना क्या है कि इन सारे के सारे चैप्टर्स को आप ऐसे कवर करोगे कि जो भी 12th क्लास से पहले आपने पढ़ रखा है उसको आगे स्टडी करने की कोशिश करो, और देखो भैया कि अनसॉल्व्ड पेपर रख लो, और अनसॉल्व्ड पेपर में देखो कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से, मतलब जो 12th क्लास से संबंधित जो भी चैप्टर्स हैं, उससे कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बीएससी वाले एग्जाम में आ रहे हैं, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? ताकि ये होगा ना कि मतलब ये 12th क्लास से संबंधित है चैप्टर, तो भैया इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं? ऐसे बनते हैं, ऐसा बात नहीं है, इतने क्वेश्चन बन जाते हैं जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, आप पास हो जाओ, बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा अगर आप करते हो तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स उठ सकते हैं। तो एक से डेढ़ महीने में जो चैप्टर मतलब ईजी है, जो जो चैप्टर आपने थोड़ा मोड़ा आगे से पढ़ रखा है, उसको कवर करने की कोशिश करो,
वो जल्दी कवर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और भी काम करोगे कि अपने पास 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के बैठोगे, अनसॉल्व पेपर आपको बाजार में मिल जाते हैं तो उसको लेकर के बैठोगे, और साथ में किताबों को लेकर बैठोगे और देखोगे कि हाँ जो अभी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो 12th क्लास से संबंधित है, यानी हमको थोड़ा मोड़ा आता है तो, और इससे जो एग्ज़ाम है मतलब जो आपका एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, बस समझ में आ रहा है, तब ये आपका बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये मैंने करके रखा है, मतलब करके देखा है, ऐसे में मतलब साल भर मैंने पढ़ाई की है, ऐसा बात नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था, इसीलिए मेरे अच्छे मार्क्स उठते थे क्योंकि साल भर मैं पढ़ाई करता था। और मतलब एग्ज़ाम से 1 से 2 महीने पहले मैं क्या करता था, इसी तरीके अनसॉल्व पेपर लेकर के पूरे पूरे क्वेश्चन को मिलाया करता था कि देखता था कि कौन से क्वेश्चन बन रहे, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी को आप तैयार करो। एग्जाम से 2 महीने पहले हमको आइंस्टीन नहीं बनना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एग्जाम से 2 महीने पहले हमको बस वही क्वेश्चन को टैकल करना है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, बस इतना ही। तो इतना आप करो, आपका शानदार नंबर उठेगा तो उठेगा, थोड़ा सा मेहनत करो, विश्वास रखो अपने आप पर कि मेरा नंबर अच्छा उठेगा, मैं पढ़ाई करूंगा, जो जो भैया ने बताया है मैं उसे पढ़ूंगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना आप करो, शानदार नंबर से जरूर पास होगे। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी थोड़ा सा टेंशन दूर हो, इस तरीके से करेंगे तो वो भी अच्छे मार्क्स जरूर गेन करेंगे। वीडियो देखने